नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप जो वीडियो देख रहे हैं या फिर आप जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं वो एनी वायर के माध्यम से आपके पास आ रहा है, तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे। परंतु दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। आप जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं वो इनी लाइन के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जाता है। आप लोग अभी तक यही सोचते होंगे कि इन लाइंस के माध्यम से इलेक्ट्रिक एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र किया जाता है, परंतु दोस्तों डाटा को भी ट्रांसफ़र किया जाता है इनी लाइन के माध्यम से। तो वो कैसे, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, आपको इन ट्रांसमिशन लाइंस में ऊपर की तरफ एक वायर दिख रही होगी। ये जो वायर है इसे सर्विस वायर बोला जाता है, और इसी के साथ साथ इसे ग्राउंड वायर भी बोला जाता है। दोस्तों, दरअसल ये ऑप्टिकल ग्राउंड वायर होती है। ये जो वायर है ACSR की तरह ही होती है, परंतु इसके बीच में ऑप्टिकल वायर्स होते हैं जिनके माध्यम से इनमें डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। वो कैसे किया जाता है, तो चलिए इसके बारे में अपने डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों, इन वायर्स को ऑप्टिकल ग्राउंड वायर बोला जाता है या फिर OPGW भी बोला जाता है। दोस्तों, ये जो वायर है दो तरह से काम करती है, पहला ग्राउंडिंग की तरह और दूसरा कम्युनिकेशन की तरह। तो सबसे पहले अपने ग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, ये जो वायर है फेज वायर की तरह टावर से इंसुलेटेड नहीं होती, बल्कि टावर के साथ पूरी तरीके से अटैच्ड होती है, ताकि इस पर बिजली गिरे तो आसानी से ग्राउंड हो जाए। क्योंकि दोस्तों, बिजली जो है हमेशा जीरो पोटेंशियल पर गिरना पसंद करती है, हमेशा और हमेशा जीरो पोटेंशियल पर ही ज़्यादातर गिरती है। तो जब वो इस ग्राउंड वायर पर गिरेगी तो वो ऑटोमेटिकली ग्राउंड हो जाएगी, और इससे हमारी ट्रांसमिशन लाइन की सुरक्षा भी हो जाएगी। तो इस तरह से ये ग्राउंडिंग की भांति कार्य करती है। अब बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन की। दोस्तों, इनके द्वारा हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिट करवाया जाता है, या फिर एक सबस्टेशन से दूसरे सबस्टेशन में वॉइस और डाटा कम्युनिकेशन भी इनके द्वारा करवाया जाता है, या फिर थर्ड पार्टी भी इस वायर का यूज़ कर सकती है ताकि ट्रांसमिशन कंपनियों को फ़ायदा मिल सके। क्योंकि दोस्तों, ये जो वायर्स हैं एक सिटी से दूसरी सिटी में कनेक्टेड रहती है, इसलिए इनका ज़्यादातर यूज़ इंटरनेट कनेक्शन के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर वायर्स को बाहरी मैग्नेटिक फील्ड से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें डाटा लाइट के रूप में ट्रांसफर होता है। ऑप्टिकल फाइबर्स TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है। चूंकि दोस्तों, इसमें डाटा लाइट के रूप में ट्रांसफर होता है, तो लाइट को मैग्नेटिक फील्ड या फिर रेजिस्टेंस या फिर एटमोसफेयर से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए इन वायर्स का यूज़ ज़्यादातर इंटरनेट कनेक्शन के लिए किया जाता है। दोस्तों, इन वायर्स का जोड़ नॉर्मली तरीके से नहीं लगाया जाता है। इन वायर को जोड़ने की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है, इसीलिए इन्हें मशीन द्वारा जॉइंट किया जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जॉइंट करने के बाद में उन्हें इस तरह के बॉक्स में टावर पे ही लगा दिया जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये जो है इस वायर का जॉइंट है जो कि इस बॉक्स में लगा दिया गया है। चूँकि दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर केबल में डाटा लाइट के रूप में ट्रांसमिट किया जाता है, इसी कारण इसमें लॉसेस की मात्रा बहुत कम होती है, परंतु फिर भी डाटा कई किलोमीटर तक ट्रांसमिट होने पर डाटा में कुछ लॉसेस हो जाते हैं। उसे एम्पलीफाई करने के लिए इस तरह के एम्पलीफायर्स लाइन के अंदर लगाए जाते हैं, ताकि डाटा में होने वाले लॉसेस को कम किया जा सके। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी के साथ साथ इस वीडियो को फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दीजिए, और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही प्रैक्टिकल वीडियोज़ इस चैनल पर लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।